मुझे लगा कि मैगडा मुझसे पीछे है, लेकिन वो मुझसे आगे है, तो मैं अब उसको कैचअप करने जाता हूँ। भाई ये येनमिन के लिए देखो दो रास्ते दिखा रहे हैं, लेकिन मैगडा बता रही है कि लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो हम भी ऊपर की तरफ ही जाएंगे। और यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे ना जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो मॉन्ग जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, वो भी इधर रहती है, और उनमें भी बहुत वेरिएशन है। रेड मॉन्ग, ब्लैक मॉन्ग, पता नहीं अब वो रेड और ब्लैक क्यों है, लेकिन वो थोड़ी टाइम में पता लगेगा। लेकिन ये व्यू देखो भाई, ये पहाड़, ओह हो हो हो। बाकी यार आज ना कोहरे ने सब ख़राब कर दिया, कोई व्यू नहीं है, मतलब राइडिंग का मज़ा है बस, क्योंकि ये देखो पूरा कोहरा ही कोहरा, कुछ है ही नहीं और कोहरे के अलावा। साइकिलिंग वाइकलिंग चालू है, वियतनामीज़ लोग ही हैं बगल में, थोड़ा लंच वंच भी चल रहा है लोगों का, लोग मौज मौज ले रहे हैं, खा पी रहे हैं भाई। सही है यार, सही, इट्स अ नाइस चल स्पॉट आई गेस। बाकी टेढ़े मेढ़े रास्ते देख लो, बाकी वहाँ से मैगडा आ रही है, ऊपर जाएगी वो। लोग भी इधर से भी आ रहे हैं यार, ये क्या देख के आ रहे हैं, इनका कंप्लीट हो गया या क्या सीन है? बाकी ऊपर पूरा एक विलेज है। गो 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 मैगडा गो, यू डोंट वांट टू गो। भाई थोड़ी सी धूप निकली थी, निकली है थोड़ी थोड़ी, पर इतनी ज़्यादा तो नहीं। बाकी पहुंचने वाले हम, मैगडा आ रही होगी उधर से, इधर देखोगे तो तुम्हें ये रास्ता दिख जाएगा। पर यहाँ पे यार जो लोग हैं ना, तो अपने उठकर रहन कपड़े वपड़े पहनने का तरीका भी पहाड़ी लोगों जैसा ही है। आई गेस पहाड़ी लोगों का थोड़ा सा स्टाइल ना सेम ही रहता है, रंग बिरंगे से कपड़े, सर पे एक कुछ बांध लेती है जो औरतें। और देख रहे हो भाई बुढ़ी अम्मा कितनी सारी लकड़ियाँ लेके जा रही है। लाइफ पहाड़ों में ना इतनी आसान नहीं होती जितनी हमें लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। टेम्परेचर, खेती बाड़ी, सुबह से काम शाम काम धाम चालू, बहुत मेहनत की चीज़ें। देखो और ये यहाँ के ना लोकल लोग हैं ना, उनके ड्रेस जो अगर तुम्हें देखने को मिलेगी, एक स्कर्ट जैसी है रंग बिरंगी सी, उसके नीचे पजामा जैसा। भाइयों और बहनों, हम पाइन ट्री के क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। देखो तुम्हें अगल बगल में अब सिर्फ पाइन ट्री ही पाइन ट्री दिख रहे होंगे भाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इधर, आ हा हा हा। और मेरे ना राइट में बहुत ही तगड़ी टेरेस फार्मिंग है, लेकिन यार अभी मैं दिखा नहीं सकता, यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइविंग भी ध्यान देनी है ना। और ये दिख रहा है येनमा, ये सिर्फ 6 किलोमीटर बचा है, अब चलते हैं। एक सेकंड को मुझे पढ़ने दो सही से, मैं खुद बार बार ही भूल जाता हूँ। यहाँ मुझे पेट्रोल भी भराना है। हम पहुँच गए येनमिन, ठीक है येनमिन पहुँच गए। टाइम हो रहा है 2 बज गए, यहाँ पहुँचते। अब यहाँ से जाना है डोंगवान, देखते हैं कैसे पहुँचेंगे। मैगडा ठीक है, आराम आराम से आ रही है, बढ़िया, कोई इशू नहीं है, आराम आराम से पहुँच जाएगी। हम भी आराम आराम से चलते रहेंगे, यहाँ पे लंच करूँगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, भूख लग रही है भाई, लंच करूँगा 2 बज गए और उसके बाद ही आगे बढ़ूँगा। वी हैव रीच्ड येनमिन, येनमिन सिटी में हम लंच करने के लिए रुके थे। हमने एक ऑर्डर किया है $100,000 का, 100,000 डोंग का भाई, काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी बड़ा पोर्शन है, आई गेस खा के मज़ा आएगा। और यहाँ पे हमने लंच किया था, अब लंच वंच हो गया, 3 बज गए, तो निकलते हैं यहाँ से, कुछ 70-80 किलोमीटर और है, तो बस रास्ता काटते हैं और पहुँचते हैं डोंगवान। का काम चल रहा है, मुझे लग रहा है सबको रोक दिया उन्होंने, आग वाग भी जल रही है उस साइड। बाकी हमें उस साइड जाना है, थोड़ी सी धूप निकल गई यार, क्लियर हो गए बादल वादल।
देखो कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा भाई। ये इनका कुछ तो लोकल टबैको है, मेरे को तो नशा हो गया। अभी भाई साहब करके बताएंगे। वैसे तो है सिर्फ टबैको ही, और कुछ नहीं है। भाई देखो यहाँ पे लोगों काम वाम कर रहे हैं। बाकी मैंने अपनी स्कूटी इधर लगा दी साइड में, मैगडा का थोड़ा वेट करता हूँ। मैगडा तो भाई गायब भी हो जा रही है। और इस तरफ एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी वैली है, हमारी प्यारी मैगडा किधर है, इधर से आना चाहिए उसे कहीं तो। बट भाई ये देखो, यहाँ से दिखाता हूँ, एक सुंदर सी सुशील सी वैली, मैगडा इधर से कहीं से आएगी। और ये मैगडा भी भाई, वो जो मैंने जो टबैको वाली चीज़ थी ना जो ट्राई करी भाई, वो दो मिनट के लिए था ऐसा हिट दी ना, मेरे को लगा अरे भाई ये क्या हो गया, पर सही था वो। बाकी इस तरफ भी देखो पहाड़ वहाड़ हैं, बढ़िया है। सूरज आज इतना खास निकला नहीं, लेकिन फिर भी अभी देखो उस तरफ थोड़ा अच्छा स्काई लग रहा है। बाकी 40 किलोमीटर ही बचा होगा हमारा जो अड्डा है, तो पहुँच जाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छा है ना, इधर से हम जाएंगे। कितनी सही है यार, दिन के टाइम यहाँ आओगे तो और भी मज़ा आएगा। उस रास्ते से हम आए हैं पेट्रोल वेट्रोल भरा के। भाई मेरे पीछे वो बच्चे को देख रहे हो, वो कितना झुक गया है भाई उस बोझ को उठाने के चक्कर में। और जैसे ये झुकी हुई है भाई, वो बच्चा तो इनसे भी ज़्यादा झुक गया है यार। बड़ा ही सैड सैड तो क्या बोलूँ, इनकी तो लाइफ है ये, पर क्या होता है यार। एनीवेज 12 किलोमीटर बचा है, मैगडा बहुत आराम से चला रही है मौज ले लेके, सही है। गिरने पड़ने से तो बढ़िया भाई, तुम स्लो चला लो, लेकिन अब ठंड बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है और मेरे को डर लग रही है। मेरे पास तो जैकेट वैकेट भी नहीं है भाई, वो तो अपनी जैकेट वैकेट पहन के है, बस पहुँच जाऊँगा जैसे तैसे और जल्दी से कंबल के अंदर घुस जाऊँगा। ये भी नहीं पता अभी तो कि भाई अकोमोडेशन का क्या जुगाड़ है, कुछ अकोमोडेशन बुक नहीं किया है, देखते हैं कुछ तो होगा जुगाड़। रब राखा भाई, पहुँच गए अपन डोंगवान, सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है। आज गए डोंगवान में, अब बस हॉस्टल वॉस्टल देखते हैं और फिर बैग वैग रख के आगे बताता हूँ तुम्हें। जिस हॉस्टल में हम आए ना, उसका ये टेरेस है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ना इनके पास टेंट्स भी है, ये रहे, तुम टेंट वेंट में भी रह सकते हो। और क्या है बाकी यार, ये एक छोटी सिटी जैसी है, हर जगह बस होम स्टे भरे हुए हैं। सामने पहाड़ हैं जो अभी तो दिखेंगे नहीं। भाई हम हॉस्टल से थोड़ा बाहर आ गए घूमने के लिए, देखने के लिए जगह कैसी है। देखो यहाँ पे टूल टाउन है और यहाँ पे कुछ तो डांस वांस हो रहा है। डांस वांस चल रहा था ना, उसके सामने ही एकदम ऑपोजिट में बहुत सारी ऐसे कॉफ़ी शॉप्स खाने पीने की और थोड़ी सी सुवनियर शॉप है। आई गेस ये ओल्ड क्वार्टर है यहाँ का, मतलब
ऐसे बनाया हुआ ऐसा है इन्होंने, तो ओल्ड क्वार्टर तो लग नहीं रहा मुझे किसी भी एंगल से ओल्ड। पर तुम्हें यहाँ पर देखेगा खाने पीने की शॉप्स, उस साइड भी कॉफ़ी वॉफ़ी की शॉप्स, छोटा मोटा फन जैसे। मैं यहाँ पे एक गेम है, ये जो ऊपर ये गोला सा दिख रहा है इसके अंदर से कुछ ये निकालना है। कोई रह गया इस बंदे का, बट ऐसा आप खेल सकते हो, पता नहीं कितने रुपए का है, ना हो पाया। और यहाँ पे भी डांस वांस दोबारा चालू हो गया यार। ये डांस है तो सही, लेकिन मतलब अच्छा तो है, लेकिन इनके स्टेप कॉपी करना थोड़ा टफ है। हम गए थे चाचा चा करने भाई, वहाँ पे हमसे हो ही नहीं पाया चाचा चा, फिर हमको अपना फ्री स्टाइल डांस करना पड़ा। बट इधर भी कर रहे हैं लोग, और आप ज्वाइन इन कर सकते हो भाई। अपने शायद नागालैंड में या कहीं पे होता ना ये वाला डांस, बैम्बू वाला, देखो वैसा ही। फाइनली भाई आग लगाएंगे। भाई जला दी इन्होंने फाइनली आग, और काफी फील वील भी आ गई, हमने डांस वांस भी कर लिया। मैक डैडी लाइक इट।